हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बसंत पंचमी और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर हमने केला का पुआ बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। हमने 8 से 10 केला लिया है, उसे छील लिया है और इसे मिक्सर जार में हमने पीस लिया है। मिक्सी जार में हमें थोड़ा थोड़ा केला डालकर इसे पीस लेना है। केले का फाइन पेस्ट चाहिए हमें। केला को हम पीस कर अलग रख देंगे। हमने यहाँ गमले में 1 कप मैदा डाला है और 1 कप आटा डाला है। दोनों को डालकर मिक्स कर लेंगे और इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे। खाने वाला सोडा हमें 1 चम्मच डालना है। सबको मिक्स करने के बाद हमने इसमें 2 से 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छे से मसल लेंगे। तेल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं पुए। तेल को मसलने के बाद हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। सौंफ डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी सौंफ ज़रूर डालें इसमें। अब जो केले का पेस्ट हमने तैयार किया था उसमें हम चीनी को डाल देंगे। हमने यहाँ चीनी 1 कटोरी लिया है, जो होगा 250 ग्राम। चीनी डालकर और सारे आटे को डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी दूध डालेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक बार में ही सारा दूध को नहीं डालना है। दूध डालते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे हम। केला का पुआ बनाने के लिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हमें दूध का ही इस्तेमाल करके इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है। देखिए, इसी तरह की घोल चाहिए हमें। ना इसे हमें ज़्यादा पतला बनाना है और ना इसे ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, बस इसी तरह की घोल चाहिए हमें। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा बैटर डालकर इसे चेक कर लेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं, और जब ये बैटर तैयार हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और निकाल के दूसरा घोल का बैटर इसे तेल में डालेंगे और बनाएंगे हम पुए। जब भी आप बैटर को तेल में डालेंगे उससे पहले आप इसी तरह से फेंट लेंगे। इसे फेंटने से और भी पुए फूले फूले बनेंगे, इसलिए फेंटना इसे ज़रूरी है। तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें 1 करछी बैटर को डाल देंगे और इसे अपने से ही फूलने देंगे। बैटर को हमें टच नहीं करना है, ये अपने खुद से ही फूलने लगेगा। देखिए, ये फूल रहा है धीरे धीरे। जब ये फूल जाए तो हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसे पकने देंगे। अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है तो इसमें 2 से 3 बैटर को भी डालकर आप पुए बना सकते हैं। हमने इसमें दूसरा बैच भी डाल दिया है और दूसरा बैच भी पक जाएगा तो इसे पलट देंगे। देखिए, हमारे पुए बहुत ही फूले फूले बने हैं। इसी तरह से सारे पुए को बनाकर हम रख लेंगे। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए नए रेसिपी देखने को मिले। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।